अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आप जैसे देख रहे पिक्चर्स में आलू फ्राई बना के दिखाने वाली हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन नहीं रखा है, डायरेक्टली बनाना सिखाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले से मैंने आलू फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने हल्का सा ब्राउनिश होने तक हमारे आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। आपको ऐसे कर लेना है। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम आलू को थोड़ा सा साइड में कर लेंगे और हमारा जो ये ऑयल है इसमें अभी डाल लेते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपको जिंजर गार्लिक एकदम से पेस्ट नहीं करना है, देखिए ऐसे हल्के से मैश कर लेना है। यहाँ पे फ्राई करिए और नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे हमारा येलो पाउडर, धनिया पाउडर और चिल्ली पाउडर जो हमने रखा था। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अभी हम इसे आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। आपको बिल्कुल से भी पानी नहीं डालना है इसमें। आपको बस देखिए आलू को ऑयल में ही फ्राई करना पड़ेगा। देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद भी फिर से फ्राई करना शुरू कर दीजिए। अभी आपके जो मसाले सारे कुछ है वो आलू को अच्छे से लगना चाहिए। देखिए अभी अगेन फ्राई करेंगे। हमारा जो धनिया पत्ता हमने कट करके रखा था उसमें हाफ इसमें डाल लेंगे फ्राई के लिए और हाफ हम डालेंगे लास्ट में। देखिए अभी फिर से फ्राई करना शुरू करेंगे जब तक आपके आलू अच्छे से और ब्राउनिश नहीं हो जाते और अंदर से गल नहीं जाते। इसके बाद हमारा आलू बनके तैयार होएगा। मैं आपको सर्विंग प्लेट में डाल के बताती हूँ बनने के बाद कैसा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू फ्राई बनके एकदम तैयार है। जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम गोल्डिश ऐसे कोटिंग आना चाहिए जब तक आपको आलू को फ्राई करना है। ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर भेजिएगा कि हमारे रेसिपीज़ कैसे हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपको कोई भी रेसिपीज़ बना के डालना है तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर से बनाएँगे। अस्सलामुअलैकुम।